नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज 8वां लेक्चर होने वाला है और इस 8वें लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है भारत के प्रमुख वायसराय और उनकी नीतियां, और इन वायसराय के काल के दौरान जो जो प्रमुख घटनाएं हुई थी भारत में, इनके बारे में हम डिटेल्स में आज अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको इसी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में डिटेल्स में बता चुका हूं। तो उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आज हम कंप्लीट जितने भी वायसराय थे भारत में और इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली थी, उनके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। तो जब इसका कार्यकाल जो था गवर्नर जनरल के रूप में, पहले वो देख लेते हैं। तो ये था गवर्नर जनरल अंतिम, ठीक है। तो जो इसका कार्यकाल था वो था गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से लेकर 1858 तक, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में, उसके तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है और इस पद के लिए एक नया नाम क्या रखा गया, वायसराय। तो यहां से वायसराय पद का सृजन किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो कंपनी के द्वारा ये नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और 1858 में इसे ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय नियुक्त किया जाता है। तो जब ये गवर्नर जनरल था, उस समय क्या क्या घटनाएं देखने को मिली। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जैसे आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं पहले जो विधवा हुआ करती थी उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, ये एक क्या थी, एक प्रथा थी। तो इसको खत्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का इसने सृजन किया, और 1857 का विद्रोह इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जब 1857 में विद्रोह हुआ, तो 1857 की विद्रोह की एक स्पेशल वीडियो मैं पिछले लेक्चर में आपको करा चुका हूँ, जो लेक्चर नंबर 7 था, उसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, वो कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल्स में आप पिछले लेक्चर को जरूर देखें। तो जब 1857 का विद्रोह इसके शासन काल में हुआ, तो अभी तक भारत में किसका शासन है, कंपनी का शासन है। अब कंपनी यहाँ पे कमजोर हो गई, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश जो संसद है उसने यहाँ पर क्या किया, जो भारत है उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया। तो अब यहां से जो भारत में शासन है, कंप्लीट एक छत्र शासन हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश संसद का, यानी ब्रिटिश सरकार का। और यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया। तो इनके द्वारा लाया जाता है, फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया जाता है, वायसराय। और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग बन जाता है भारत का प्रथम वायसराय, जो कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन है। अभी तक ये कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था, कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल था, लेकिन अब ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय बन चुका है। तो प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वायसराय के जब इसका शासन था वायसराय का, यानी 1858 से लेकर 1862 तक, तो इस समय क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, अब ये देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में मैं आपको इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं डिटेल्स में समझा चुका हूं, तो उस लेक्चर को दोस्तों आप जरूर देखें। भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया, इसने व्यपगत सिद्धांत समाप्त किया। व्यपगत सिद्धांत जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण से क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी एक प्रमुख कारण था। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, व्यपगत सिद्धांत जिसे राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। उसने बहुत सारे भारतीय प्रांतों को, भारतीय राज्यों को हड़पा था, जिसके कारण भारत में एक विद्रोह
हुआ था ब्रिटिशों के खिलाफ, जो कि 1857 को देखने को मिला था। तो व्यपगत सिद्धांत को इसने समाप्त किया। 1861 में इसने उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया और इस उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में, लेकिन वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में नहीं हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में, तीन न्यायालय, तीन हाईकोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो 1861 में आया उच्च न्यायालय अधिनियम। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है, एक तो भारत शासन अधिनियम है 1858, और फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इसके बारे में भी मैं अलग से डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स बताने लग जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी में जितने भी एक्ट है, जितने भी अधिनियम है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का जो हमारा लेक्चर आजकल चल रहा है, उसके फर्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बातें आई वो हुई थी पोर्टफोलियो व्यवस्था। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में इसका प्रावधान था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने फिर इसे शुरू किया। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसे संविभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें इसने विभागों को अलग अलग बांटा, विभागों को पृथक पृथक किया। तो संविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो व्यवस्था ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। उसके बाद इसने भारतीय दंड संहिता 1860 में लाई गई, दंड संहिता जिसके तहत दोस्तों, जिसमें क्या है, किस प्रकार से किसने अपराध किया है और उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो है इस भारतीय दंड संहिता में। ये अभी भी देखने को मिलती है भारत में। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में आई, नागरिक विधि संहिता 1859 और फौजदारी विधि संहिता जो कि 1861 को पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के काल में। जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार 1860 में आयकर यानी इनकम टैक्स लगाया था। तो भारत में पहली बार इनकम पर टैक्स, जिसे आयकर कहा जाता है, वो कब लगा? 1860 में लगा। और किसने लगाया? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान। अब लॉर्ड कैनिंग के काल के दौरान प्रमुख विद्रोह कौन कौन से देखने को मिले थे? तो एक हुआ था नील विद्रोह 1859 से लेकर 1860 तक। नील विद्रोह, इसको समझो पहले। नील विद्रोह जो शुरू हुआ था वो बंगाल के नदिया जिले में 1859 में किसानों द्वारा शुरू किया गया था। किसानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फोर्स किया जा रहा था कि उन्हें फसल उत्पादन नहीं करनी है बल्कि नील की खेती करनी है, नील खेती करनी है। तो नील खेती मना करने के लिए किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस नील विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया? यह महत्वपूर्ण है। तो इसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वनाथ और एक दूसरे थे विष्णु विश्वनाथ। ये दोनों नाम क्या महत्वपूर्ण है। तो नील विद्रोह का नेतृत्व क्या था? दिगंबर विश्वनाथ ने और विष्णु विश्वनाथ ने। और नील विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण एक क्या है दोस्तों? नाटक है। ये किसका नाटक है? तो ये है दीन बंधु मित्रा का नाटक है नील दर्पण, जिसमें नील विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। और इसके काल में श्वेत विद्रोह भी हुआ था 1859 में यूरोप के सैनिकों द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग के काल के दौरान ये प्रमुख घटनाएं दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के काल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन जो कि दूसरा वायसराय था 1862 से लेकर 1863 तक। अब इसके इस छोटे काल में क्या क्या हुआ देखते हैं। तो एक तो इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था और 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कई बुक्स में आपको 1861 भी देखने को मिलता है और कुछ में आपको 1865 भी देखने को मिलता है कि 1865 में कलकत्ता, बंबई या मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन जो बहुत सारी बुकें, जो प्रमाणिक बुकें हैं, उसमें 1862 दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये किसके तहत किया गया? क्योंकि यहाँ पे 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के काल में, और फिर इसी अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लॉर्ड एल्गिन के काल की। उसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 1863 से लेकर 1869 तक ये रहा भारत का वायसराय। 1865 में भूटान युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और भूटान के मध्य ये युद्ध हुआ था 1865 में, इसके काल में।
और अफगानिस्तान के साथ इसने हस्तक्षेप या शानदार निष्क्रियता की नीति भी इसे कहा जाता है। तो किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप या शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई गई, वो था लॉर्ड जॉन लॉरेंस। उसके बाद 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा इसके द्वारा शुरू की गई थी और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। देखो, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में और 1866 में हो चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना। इसके काल में उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड में 1868 और 1869 में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे निपटने के लिए इसने कैंपबेल आयोग यानी हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग, जिसे कैंपबेल आयोग भी कहा जाता है, वो इसने गठन किया था। तो इसके काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं: शानदार निष्क्रियता नीति, समुद्री टेलीग्राफ सेवा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना और कैंपबेल आयोग यानी अकाल आयोग का इसने गठन किया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का काल है 1869 से लेकर 1872 तक। देखते हैं लॉर्ड मेयो के काल की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। एक तो 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की नींव रखी गई थी। मेयो कॉलेज की नींव अजमेर में 1872 में रखी गई थी, लेकिन विधिवत रूप से जो इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में होती है। उसके बाद भारत में पहली बार 1872 में जनगणना शुरू की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू की गई? 1872 में। लेकिन साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो नियमित जनगणना शुरू होती है, नियमित जनगणना वो किसके काल में शुरू होती है? वो होती है रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। देखो, पहली बार जनगणना शुरू हो चुकी है 1872 में, लेकिन फिर नियमित जनगणना जो शुरू की गई वो 1881 में, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने शुरू की 1881 में। तो ये दो क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने, और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का इसने गठन किया था। पोर्ट ब्लेयर में इसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक ये रहा भारत का वायसराय। इसके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1873 और 1874 के दौरान, और पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इसके काल में, जिसका इसने क्या किया था? दमन किया था। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सेन साहब, जिन्हें भगत जवाहर मल के नाम से जाना जाता है, और इनके जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, बालक सिंह और राम सिंह, इन्होंने किया था कूका आंदोलन का नेतृत्व। लेकिन जब 1872 में इसका दमन किया गया कूका आंदोलन का, तो इस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे राम सिंह, ये आपको याद रखना है। तो कूका आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, और इस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे राम सिंह। आगे बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट जो यहाँ पे वायस राय है वो है लॉर्ड लिटन। ये रिपन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये है रिपन। दोस्तों लिटन ही है, ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो कि भारत का वायसराय 1876 से लेकर 1880 तक रहा। अब देखते हैं इसके काल की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। इसके काल में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1 जनवरी 1877 को। क्यों आयोजित किया गया था? महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के द्वारा, और ये था पहला दिल्ली दरबार। उसके बाद 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। महत्वपूर्ण है ये, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने पारित किया, और क्या था इसमें? इसमें भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। फिर 1878 में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। अभी जो भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, इसके तहत शस्त्र रखने के लिए भी अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम के दौरान।
राज के उपाधि अधिनियम और शाही पद अधिनियम 1876 में इसने लागू किया। अब देखो ये राज के उपाधि अधिनियम क्या था, तो इसके तहत जो महारानी विक्टोरिया है वो भारत की साम्राज्ञी आधिकारिक रूप से घोषित की गई, आधिकारिक रूप से। अब जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी वो वही भारत की क्या होगी, साम्राज्ञी होगी। किसके तहत, राजकीय उपाधि अधिनियम या शाही पद अधिनियम 1876 के तहत, जो कि लॉर्ड लिटन ने लागू किया। उसके बाद इसने सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की। लॉर्ड लिटन ये कविताएं भी लिखता था, ये कवि और क्या था, लेखक भी था, और इसको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है, ओवन मेरेडिथ। तो भारत के किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड लिटन, क्योंकि ये एक कवि था, एक लेखक था, और ये ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं और लेख लिखता था, ठीक है, तो इसलिए इसको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों लॉर्ड रिपन, भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक ये रहा भारत का वायसराय, और ये भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय है दोस्तों। कुछ वायसराय ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए और उन्होंने भारत में बड़ी ख्याति पाई, वो लोकप्रिय हुए, तो ये उन लोकप्रिय वायसरायों में एक था। अब क्यों है ये लोकप्रिय, देखो इसके लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1909 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें कहा था कि ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय हैं। किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी है, भारत का उद्धारक ये संज्ञा दी है इसे, किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को कहा कि ये भारत का क्या है, उद्धारक है। अब क्यों ये संज्ञा इसको दी गई, क्यों ये भारत का लोकप्रिय वायसराय था, वो जान लेते हैं इसके काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में पहले, तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये इसे क्यों लोकप्रिय वायसराय कहा गया। एक तो इसने जो कि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, किसके द्वारा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, वो इसने समाप्त किया, और जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था लिटन के द्वारा उसको समाप्त किया रिपन ने। तो 1882 में इसने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, और जो प्रतिबंध लगाया गया था मीडिया पे, भारतीय समाचार पत्रों पर, उसे इसने समाप्त किया। सिविल सेवा परीक्षा अधिकतम आयु 19 वर्ष से इसने क्या कर दी, 21 कर दी, जो कि लॉर्ड लिटन ने 21 से 19 घटाई थी, अब इसने 19 से 21 से कर दिया, तो इसने यहां पर भी परिवर्तन कर दिया। उसके बाद 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया, और इसलिए इसे कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया था। 1881 में इसने सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू की, तो देखो यहाँ पे नियमित जनगणना अब यहाँ पे शुरू होगी लॉर्ड रिपन के काल से, जबकि सर्वप्रथम कब की गई, 1872 में सर्वप्रथम कब की गई, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में जनगणना शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 से, और तब से लगातार भारत में नियमित जनगणना शुरू की गई 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इससे आप समझ पाओगे कि इसको भारत का लोकप्रिय वायसराय क्यों कहा जाता है। देखो जो प्रथम इसने यहाँ पे कारखाना अधिनियम लाया, इसमें इसने जो प्रावधान रखा वो क्या था प्रावधान, कि 7 वर्ष से कम के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में कार्य करने के लिए इसने निषिद्ध किया, यानी वो अपराध होगा, 7 वर्ष के कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते कारखानों में, निषिद्ध घोषित किया इसने ये, और वो अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन जो भी 7 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं वो उनको कारखानों में प्रतिदिन केवल 9 घंटे उन्हें कार्य करवाया जाएगा, केवल
9 घंटे, इससे ज्यादा उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। और हफ्ते में सॉरी महीने में उनको यानी हफ्ते में एक बार महीने में 4 छुट्टी उन्हें दी जाएगी कारखानों में। तो प्रथम कारखाना अधिनियम, अभी तक तो ऐसा था कि कारखानों में बच्चों को भी जबरन वहां पे काम करवाया जाता था, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी। लेकिन इसने प्रथम कारखाना अधिनियम लाया जिसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने की मनाही थी उसे इसने अपराध घोषित किया। और कम से कम बच्चों से केवल मतलब अधिक से अधिक 9 घंटे काम कराया जाएगा, उससे अधिक नहीं कराया जाएगा। और महीने में 4 छुट्टियां इसने वो घोषित की। उसके बाद इसने शैक्षणिक सुधारों हेतु विलियम हंटर आयोग 1882 में इसने स्थापित किया। इसके समय एल्बर्ट विल विवाद, ये बहुत चर्चा का विषय रहा इसके समय। और इसके लिए दोस्तों इसको यूरोपीय जो लोग थे उनकी भी सुननी पड़ी थी, और मतलब उन्होंने इसका काफी क्या था विरोध किया था इस एल्बर्ट विल विवाद के मामले में। क्या था एल्बर्ट विल विवाद जो कि 1883-84 में आया था। देखो पहले क्या होता था कि जो यूरोपीय लोग थे उनसे जुड़े जो मामले थे उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब एल्बर्ट विल विवाद आया लॉर्ड रिपन के काल में, तो इसके तहत भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे। तो आपको लिखना है यहाँ पे जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अब सुनवाई कर सकते हैं यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की भी। यानी अब तक जो भारतीय वकील थे, भारतीय न्यायाधीश थे, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और उन्हें ये इजाजत नहीं थी कि वो यूरोपीय लोगों के मामलों संबंधी वो क्या करें, सुनवाई करें। लेकिन एल्बर्ट विल विवाद के माध्यम से भारतीय न्यायाधीश अब यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे, सुनवाई कर सकते। तो इसलिए इसको यूरोपीय जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड रिपन को भारत का लोकप्रिय वायसराय क्यों कहा जाता है। तो ये इसके काल के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और यहां से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैसडाउन और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से लेकर 1894 तक ये रहा भारत का वायसराय, इसके समय हुआ तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा को मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में। बंगाल टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट इसने पारित किया। और इसके काल की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं लॉर्ड डफरिन के काल की वो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके काल की ये महत्वपूर्ण घटना। उसके बाद लॉर्ड लैसडाउन 1888 से लेकर 1894 तक ये रहा भारत का वायसराय। इसके काल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई, और इस सीमा रेखा का नाम था डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा का निर्धारण किसके काल में किया गया, लॉर्ड लैसडाउन के काल में। 1891 में आया इसके काल में दूसरा कारखाना अधिनियम। देखो प्रथम कारखाना अधिनियम अभी हमने उसके बारे में चर्चा की, और वो किसके काल में आया था, वो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और दूसरा कारखाना अधिनियम आया 1891 में लॉर्ड लैसडाउन के काल में। अब क्या था इसमें, तो इसमें अब देखो वहां तो कम 7 वर्ष से कम के जो बच्चे थे उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा, और यहां पर उसे बढ़ा दिया गया है और अब इसे कर दिया है 9 वर्ष से कम के बच्चे अब कार्य नहीं कर सकते हैं कारखानों में। और वहां अवधि थी 9 घंटे, और यहाँ जो कार्य करने की अवधि थी वो केवल 7 घंटे रखी गई। ठीक है, अधिकतम 7 घंटे ही बच्चों से, जो 9 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उनसे अधिकतम 7 घंटे ही काम करवाया जाएगा। और औरतों के लिए रात्रि में काम करने की मनाही थी इसमें, यानी रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच कारखानों में औरतों को जो काम करने के लिए उनको निषिद्ध किया गया। ठीक है, औरतों से रात को काम नहीं करवाया जाएगा इस दूसरे कारखाना अधिनियम के तहत, और औरतों से केवल 11 घंटे, अधिकतम 11 घंटे काम करवाया जाएगा। तो इसमें बच्चों के लिए भी और औरतों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान लाए गए थे दूसरे कारखाने अधिनियम के तहत 1891 में। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना है 1891 की सहमति की आयु विवाह अधिनियम, सहमति आयु विवाह अधिनियम। अब देखो क्या है ये,
सहमति आयु विवाह अधिनियम। भारत में पहले क्या होता, छोटे छोटे बच्चों के भी विवाह कराए जाते थे, उनकी उम्र देखी जाती है, कभी 8 वर्ष में उनकी शादी हो जाती और ये काफ़ी देर तक देखने को मिला, मतलब इसके बाद भी काफ़ी देखने को मिला था। आप अपने गांव में देखते होंगे 3 या 4 पीढ़ी पहले भी, तो लगभग 8-9 साल में, 11-12 साल में, 15-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो इसके लिए लाया गया यहाँ पे 1891 में सहमति आयु विवाह अधिनियम। अब क्या था इस विवाह अधिनियम में, इसमें कहा गया कि जो शादी के लिए लड़की की उम्र है वो है 12 वर्ष, इसमें निर्धारित की गई 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष की कम आयु की लड़कियों की जो आयु विवाह है, अगर 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह कराया गया तो वो अपराध इसमें माना गया, उसको अपराध घोषित किया गया। तो सहमति आयु विवाह अधिनियम 1891 में आया लॉर्ड लैंसडाउन के काल में, और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी कराना अपराध है, यानी निर्धारित किया गया कि 12 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की ही शादी कराई जाए, यानी शादी के लिए लड़कियों की आयु फिक्स की गई 12 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद वायसराय बनता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 तक। इसका एक कथन ये काफी प्रसिद्ध है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इसने अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया और 1895 में इसने व्यय की जांच के लिए बेल्बी आयोग का गठन किया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल की। अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक, इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो कि सबसे बुरी घटना थी इसके काल की, और इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसे कहा आधुनिक भारत का औरंगजेब। तो आधुनिक भारत का औरंगजेब किस वायसराय को कहा गया, लॉर्ड कर्जन को। किसने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अब देखते हैं इसके काल की प्रमुख घटनाएं। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, और इसके तहत क्या था कि जो अंग्रेजी मुद्रा है उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। अंग्रेजी मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा। 1899 में इसने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। इसके काल में कुछ प्रमुख विभागों का गठन किया गया, जैसे सिंचाई विभाग 1901, रेलवे आयोग 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902, पुलिस आयोग 1902 और अकाल आयोग। तो ये प्रमुख जो विभागों का गठन किया इसने। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया इसने, और 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में किसके काल में की गई, लॉर्ड कर्जन के काल में। 1904 में इसने सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल का विभाजन 1905, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपको कैसे याद रखना है, देखो, तो बंगाल का विभाजन किसने कराया, किसके काल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में, यानी इसने बंगाल का विभाजन करके ये भारतीयों के कर्ज में डूब चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, लॉर्ड कर्जन कर्ज में ये डूब चुका है इसने, ये एक इतना जो इसने वो किया बुरा, इसने कृत्य किया कि बंगाल का विभाजन किया, ठीक है, बंगाल एक अभिन्न हिस्सा था उस समय भारत का, और बाद में भले ही बंगाल को फिर भारत में शामिल किया गया, लेकिन बंगाल का विभाजन वो किसने किया, इसका बहुत विरोध भी हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। तो कर्जन के काल की ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल की। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, माले मिंटो सुधार जो आया था वो इसी के काल में आया था, और वो मैंने आपको इंडियन पॉलिटिका जो हमारा सीरीज चल रही है आजकल उसके फर्स्ट लेक्चर में सभी अधिनियम और सभी एक्ट बताए हैं ब्रिटिशर्स के। वैसे इंडियन हिस्ट्री में भी मैं आपको उसको कराऊंगा, लेकिन उसको मैं लास्ट में कराऊंगा अभी। चलो देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 तक इसका काल रहा। इसके काल में 1996 में ये यहाँ पे 1996-1906 है, ठीक है, प्रिंटिंग कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई,
मुस्लिम लीग की स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में 1906 में। उसके बाद 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो चुका है और कांग्रेस बंट चुकी है गरम दल और नरम दल में। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। किस अधिवेशन में? यह महत्वपूर्ण है, तो यह है सूरत अधिवेशन में। 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार, जिसके द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था पहली बार किसने शुरू की? लॉर्ड मिंटो ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। तो ये इसके काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद भारत का नेक्स्ट जो वायसराय बनता है वो बनता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक ये रहा भारत का वायसराय। इसके काल में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम भारत आया किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 में, ठीक है 1911 में। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में पुनः यहाँ पे एक बार दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। और 1912 में बनाया गया दिल्ली को भारत की राजधानी। अभी तक देखो, अभी तक जो गवर्नर जो वायसराय थे वो कहाँ बैठे थे? बंगाल में बैठते थे। लेकिन अब यहाँ पे 1912 में भारत की राजधानी बनाया जा चुका है दिल्ली को। 1912 में बिहार प्रांत का भी गठन किया गया। 23 दिसंबर 1912 को दोस्तों दिल्ली में जो ये हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत का वायसराय है, उस पर बम फेंका गया। कब फेंका गया? 1912 में। और इस घटना में 4 लोगों को फांसी दी गई। कौन कौन से थे वो? तो शहीद भाई बालमुकुंद, अब यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं और वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाल मुकुंद। उसके बाद शहीद अमीर चंद, बसंत कुमार, और एक मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं अवध बिहारी। ये 4 लोग थे दोस्तों जिनको यहां पे फांसी दी गई। इस बम कांड के ये इन्हें आरोपी घोषित किया गया और इनको फांसी दी गई, इन 4 लोगों को, दिल्ली में जो ये बम फेंका गया था हार्डिंग पर। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इस जो ये बम फेंक गया था 1912 में, ये दिल्ली बम कांड, इसमें किस समिति को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया था? तो अनुशीलन समिति, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन। तो इसको जिम्मेदार ठहराया गया कि इसने क्या किया, ये कांड करवाया। अनुशीलन समिति जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हर चीज में यहाँ पे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। उसके बाद इसके काल में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और 1914 में भारत तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। डोरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य और मैकमोहन रेखा भारत तिब्बत के मध्य, इसका निर्धारण 1914 में किया गया। तो ये रही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक ये रहा भारत का वायसराय। क्या है इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं? तो एक तो कांग्रेस का एकीकरण हो चुका है। अब देखो, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है, और यहां पे कांग्रेस का एकीकरण हो चुका है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1917 में शिक्षा पर आया सैंडलर आयोग। तो सैंडलर आयोग का गठन कब किया? 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था। 1919 में आया रॉलेट एक्ट,
इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया। यानी अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे सीधे सजा दी जाएगी और उसे मतलब वो ना ही वकील कर सकता है और ना ही कोई दलील पेश कर सकता है अपने बचाव में। तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया और इसका भारत में भयंकर विरोध हुआ और इसी विरोध के लिए एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। और इस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा क्या चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 किसके काल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय है। जो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ 1917 में, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन, अब देखो प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया जा चुका है क्योंकि 1919 में आया भारत शासन अधिनियम 19, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919 कब आया, 1919 में आया। और इसमें प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन का, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया 1919 में। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात थी, जो महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी था कि इनके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाना था, जो कि जो ये अधिनियम आया 1919 10 साल बाद इसकी समीक्षा देनी थी कि इससे भारत में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। और 1928 में आएगा फाइट मशीन, ठीक है, साइमन कमीशन। तो फिर अभी आगे मैं आपको बताऊंगी साइमन कमीशन कब आया। तो वो इसी क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वो लाया गया था और उसका भी विरोध किया गया क्योंकि उसमें कंप्लीट जो लोग थे, सभी जो लोग थे वो केवल अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, तो इसलिए उसको व्हाइट मशीन भी कहा गया। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल की ये महत्वपूर्ण घटनाएं उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद भारत का वायसराय बनता है लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर 1926 तक रहा भारत का वायसराय, ये है यहाँ पे लॉर्ड रेडिंग। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह एक किसान विद्रोह था, किसान विद्रोह कहाँ हुआ, ये केरल में। और इसको बुरी तरह से कुचला था, बुरी तरह से इसका दमन किया था लॉर्ड रेडिंग ने। इसमें बहुत सारे किसानों की हत्या हुई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। 1921 में ही एम एन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1921 में। और 9 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हुआ, 9 फरवरी 1922 को। और इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। तो असहयोग आंदोलन जो कि शुरू किया गया था 1920 में, उसको 1922 में महात्मा गांधी ने चोरा चोरी नामक कांड के कारण उसको वापस लिया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 1925 में होता है काकोरी ट्रेन कांड। ये भी किसके समय हुआ, ये हुआ लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल के दौरान। उसके बाद वायसराय बनता है लॉर्ड इरविन। अभी जो ये महत्वपूर्ण जो यहाँ पे घटनाएं दोस्तों, इनके बारे में अभी हम क्योंकि ये तो वायसराय मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 1857 की क्रांति का इससे पहले मैं आपको वीडियो दिया था, लेक्चर दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि पहले आपको भारत के जो वायसराय हैं उनके शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में एक बार कंप्लीट बता दें और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही कंप्लीट टॉपिक बच जाएगा भारत का पुनर्जागरण और भारत में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई पुनर्जागरण संबंधी और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो टॉपिक बचेंगे और उसमें बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो और उसमें ये जो जैसे गैस स्वराज पार्टी हो गया, काकोरी ट्रेन कांड, चोरी चोरा कांड, उसमें हम इनके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे अभी, ठीक है। तो तब तक आपको ये याद रखना है कि ये कब कब हुए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स में यहाँ पे अभी समझाऊँ तो फिर ये लेक्चर लगभग 3-4 घंटे का हो जाएगा, तो उसको हम अलग से अभी जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक ये रहा भारत का वायसराय और इसके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिली। 1928 में आया साइमन कमीशन, मैंने अभी पहले भी आपको बताया जब मैं 1919 के अधिनियम के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। साइमन कमीशन, इसको व्हाइट मशीन भी कहा गया,
व्हाइट मशीन, ये कब आया भारत 1928 में। ये क्यों आया था, क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके क्या क्या परिणाम देखने को मिले भारत में, क्या क्या परिवर्तन उससे भारत में हुआ अधिनियम, ठीक है 1919 का अधिनियम, तो उसकी समीक्षा के लिए व्हाइट मशीन यानी साइमन कमीशन मुंबई पहुंचे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें सारे लोग थे अंग्रेज। और फिर भारतीयों ने इसका इसलिए विरोध किया कि इसमें तो सारे लोग अंग्रेज हैं और वो अंग्रेज जो ब्रिटेन में बैठ रखे हैं तो उनको कैसे पता कि 1919 के अधिनियम से भारत में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि इसमें कोई भारतीय भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसमें सभी गोरे लोग थे, गोरे अंग्रेज थे, तो इसलिए इसको कहा गया व्हाइट मशीन, क्योंकि ये व्हाइट लोगों की एक मशीन है। तो साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया भारत में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1930 में होता है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। और इसके बाद होता है फिर 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 4 मार्च 1931 को। 1930 में इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, शारदा अधिनियम। देखो क्या है ये शारदा अधिनियम, जो कि 1930 में लॉर्ड इरविन के काल में लागू हुआ था। इस शारदा अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो लड़कियों की विवाह की उम्र, लड़कियों की जो विवाह उम्र है उसको किया गया 14 वर्ष, इसको रखा गया 14 वर्ष। और अब जो लड़के हैं, लड़कों की विवाह उम्र, इसे रखा गया 18 वर्ष। यानी 14 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों का विवाह कराना अपराध होगा और 18 वर्ष के लड़कों का विवाह कराना ये अपराध होगा। तो ये किस अधिनियम के द्वारा कहा गया, शारदा अधिनियम के द्वारा, जो कि 1930 में लागू किया गया लॉर्ड इरविन के काल के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के काल की। लॉर्ड वेलिंगटन जो कि भारत का वायसराय रहा 1931 से लेकर 1936 तक, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें किसने भाग लिया था, तो कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये गए थे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ब्रिटेन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे इस समय, और इसने 1932 में एक पंचायत की घोषणा की जिसका नाम है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, और इसका विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने। अब क्या था ये सांप्रदायिक पंचांत, पहले इसको समझो। इसमें कहा गया कि जो दलित हैं उनको, वो हिंदू नहीं है, दलितों को हिंदुओं से अलग किया गया। यानी देखो हिंदुओं का यहाँ पे क्या करते हैं, विभाजन कर दिया हिंदू और दलित में, यानी दलितों को हिंदुओं से पृथक किया गया सांप्रदायिक पंचांत के माध्यम से। और उसके बाद फिर होता है पूना समझौता। अब यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। महात्मा गांधी गए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, फिर 1932 में मैकडोनाल्ड ने क्या कर दिया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। और फिर महात्मा गांधी जी उन्होंने अनशन किया, और फिर 24 सितंबर 1931 को होता है पूना समझौता, किस किस के मध्य, महात्मा गांधी और B.R. अंबेडकर के मध्य, भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1931 को। और ये कहां हुआ था, ये हुआ था यरवदा जेल में। तो पूना समझौता कहां हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1931 को, महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है फिर 1932 में, ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ। बिहार में 1934 में पड़ा भयंकर भूकंप आया बिहार में 1934 में।
और इसके काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं। एक तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन क्या किया गया, समाप्त किया गया। और दूसरा था यहाँ पे कि यही द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया। तो वो प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में इसे लागू किया गया। उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना भी होती है, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी था इसमें, तो 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी लाया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर जो 1936 तक भारत का वायसराय रहा, इसके काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 तक ये रहा भारत का वायसराय। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये प्रावधान जो था प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का प्रावधान ये किसमें था, ये था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो 1935 में कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में कि भारत में अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाएंगे, और फिर लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुए भारत में पहली बार चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस में थे सुभाष चंद्र बोस पहले, और कांग्रेस का त्याग कर देते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि देखो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और अंग्रेज सोच रहे थे कि भारतीय लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करें। प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीयों ने सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को कहा था कि तुम आर्मी में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने कहा कि हमें पहले पूर्ण स्वराज दो, ठीक है, इसलिए भारतीयों ने विरोध किया और इसका सपोर्ट नहीं किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए अंग्रेजों ने कई रूप से चाल चली। 8 अगस्त 1940 को उन्होंने अगस्त प्रस्ताव पारित किया, और इस जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें कहा गया कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, यानी भारत कुछ मामलों में अपनी क्या कर सकता है, मतलब कुछ मामलों में जो शक्ति है वो भारत के लोगों के पास रहेगी, लेकिन फिर भी वो किसके अंडर रहेगा, ब्रिटिश सरकार के अंडर रहेगा, वो ब्रिटिश का क्या रहेगा, वो डोमिनियन स्टेट रहेगा। तो 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया उसमें कहा गया डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर मार्च 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन का नेतृत्व कर रहे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था, यह प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसे पारित किया जाता है 8 अगस्त 1942 को बंबई में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, 8 अगस्त 1942 को, और फिर शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह है लॉर्ड लिनलिथगो के काल की महत्वपूर्ण घटना। एक तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है, और पहली बार चुनाव कराए गए ये महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट जो गवर्नर सॉरी वायसराय है, तो ये हैं अब तीन ही, मतलब कुछ ही बचे हैं, लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। तो पहले यहाँ पे लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक ये रहा भारत का वायसराय। इसके काल में वेवेल योजना आई 1945 में। फिर शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को, और कैबिनेट मिशन आता है 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 को। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो सदस्य थे दो अन्य सदस्य थे इसके, क्योंकि कुल इसमें तीन टोटल लोग थे, तो दो अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स इसमें एक सदस्य था, और दूसरा था ए बी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। उसके बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आप घटनाओं को समझो। 1946 में जो नेवी थी, ब्रिटिश नेवी, रॉयल इंडियन नेवी जिसका नाम था, उसने यहाँ पे विद्रोह किया, क्योंकि इसमें तो इंडियन लोग शामिल थे, तो अब इन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह कर दिया। और फिर अब ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि अब बहुत हो चुका है, अब हम भारत में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो चुका था। उधर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, एक सेना का गठन कर दिया। 1946 में सुभाष चंद्र बोस जी की बड़ी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर क्या उसका प्रभाव क्या पड़ा देश में, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने भी विद्रोह कर दिया, और फिर इन्हें लग गया कि अब सेना भी विद्रोह करने लगी, अब हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और फिर आखिरकार 20 फरवरी 1946 को ब्रिटेन पीएम एटली ने घोषणा कर दी है भारत को स्वतंत्र करने की। तो भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की, पीएम एटली, ठीक है, 20 फरवरी 1946 को। और ये लेबर पार्टी से इसका संबंध था, ये लेबर पार्टी से क्या बना था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। और फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का गवर्नर जनरल बनके, ठीक है, वायसराय, तो मतलब इसको भारत का अंतिम वायसराय भी कहा जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक ये रहा भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का। 24 मार्च 1947 को ये बना भारत का गवर्नर जनरल, और 3 जून 1947 को इसने माउंटबेटन योजना घोषित की। अब क्या था इस माउंटबेटन योजना में, तो इसमें था जो मुख्य रूप से था, एक तो वही था कि भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, लेकिन इसमें भारत विभाजन भी शामिल था, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था भारतीय वासियों के लिए। भारत का विभाजन, भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, पाकिस्तान और भारत। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, साथ साथ भारत का विभाजन भी किया गया। 14 अगस्त 1947 को हुआ पाकिस्तान स्वतंत्र, और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये बने 1948 से लेकर 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल, और ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्योंकि अभी तक जो भी गवर्नर जनरल हों, वायस राय हों, वो कौन थे, वो अंग्रेज थे, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, ठीक है, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है 1858 से लेकर और 1947 से लेकर लगभग 90 साल तक जिन वायसराय ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया, उनके काल की प्रमुख घटनाएं, उनकी नीतियां किस प्रकार की थी, कौन कौन से उसके काल, उनके काल में अच्छे अच्छे कार्य हुए, क्योंकि बहुत सारे वायसराय ऐसे थे जिनके काल में कुछ, मतलब उन्होंने कुछ अच्छे से नीतियां भी लाई, जैसे शारदा अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ऐसे बहुत सारे अधिनियम और बहुत सारे उनकी नीतियां थी, और जो भी यहाँ पे उनकी प्रमुख नीतियां थी, प्रमुख घटनाएं उनके काल में हुई, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस की है आज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।